हेलो स्टूडेंट्स, डिसइंफेक्शन मेथड्स में हमने प्रीवियस वीडियो में केमिकल स्टरलाइजेशन पर डिस्कशन किया था। केमिकल स्टरलाइजेशन जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो आज का हमारा जो टॉपिक है डिसइंफेक्शन मेथड में ही, वो आता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मतलब ऐसा वेस्ट जो हॉस्पिटल से या किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट से या ऐसे पैरामेडिकल डिपार्टमेंट, आप पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करते हैं, लैब्स वगैरह की बात करते हैं, वहाँ से जो वेस्ट निकलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट कहलाते हैं। अब अगर आप इनकी डेफिनेशन की बात करें तो द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम एनी हॉस्पिटल और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, इम्यूनाइजेशन ऑफ पीपल और एनिमल्स, पीपल और एनिमल्स और एनी रिसर्च एक्टिविटीज मतलब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में अगर आप सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्ट को देखें, ये क्या होता है इसकी डेफिनेशन को देखें, तो ऐसा वेस्ट जो कि हॉस्पिटल या किसी अदर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट से जनरेट होता है, वो वेस्ट कब जनरेट होता है, जब आप किसी पेशेंट की केयर कर रहे होते हैं, उसका डायग्नोसिस कर रहे होते हैं, उसके ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, या फिर कोई रिसर्च एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उसके साथ उस कंडीशन में या उस प्रोसीजर के दौरान या उसके बाद जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। ये बायोमेडिकल वेस्ट है। जनरली वेस्ट जो है ये इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, नॉन इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, तो हमें इन वेस्ट के इन्फेक्शन से बचना है। इन वेस्ट के इन्फेक्शन से बचने के लिए आप इनका जो डिस्पोजल करते हैं, प्रॉपर इनका जो ट्रीटमेंट करते हैं, वो कैसे किया जाना चाहिए जिससे ये इन्फेक्शन को स्प्रेड ना करें, इसीलिए हम इसको डिसइन्फेक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं। तो अगर आप देखें बायोमेडिकल वेस्ट जो है, ये वेस्ट आपको डेफिनेशन दिख रही है। इसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट क्या होते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट के टाइप में क्या होगा, जैसे जनरली अगर हम बात करते हैं मेनली फोर टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन आपका आता है इन्फेक्शस वेस्ट, मतलब ऐसा वेस्ट जो इन्फेक्शन कॉज करने की एबिलिटी रखता हो। जैसे बात करते हैं कॉन्टामिनेटेड बॉडी फ्लूइड्स हैं, या फिर कोई ऐसा साप्स हैं लाइक नीडल हो गए, सिरिंजेस हो गए, जिनसे जो कि एक किसी बॉडी से किसी इन्फेक्शस सब्सटेंस से टच होकर के आए हैं, उनमें इन्फेक्शस एजेंट अटैच हैं, वो अगर किसी दूसरे पर्सन की बॉडी से अटैच होते हैं तो उसमें इन्फेक्शन वो कॉज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है पहला इन्फेक्शस वेस्ट आता है, जो कि आप फर्स्ट टाइप देखते हैं बायोमेडिकल वेस्ट का। नेक्स्ट आप इसमें टाइप देखते हैं हैजार्डस वेस्ट। हैजार्डस या टॉक्सिक वेस्ट आप कह सकते हैं। ये हैजार्डस वेस्ट ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को या किसी अदर बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसमें जो है टॉक्सिसिटी फैला सकते हैं, लेकिन इन्फेक्शस नहीं, इन्फेक्शन नहीं करते, मतलब इन्फेक्शस क्वालिटी इनमें नहीं है, लेकिन फिर भी ये टॉक्सिक हो सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं ह्यूमन बॉडी को या नॉर्मल ह्यूमन बींग को या किसी अदर एनिमल्स को, किसी लिविंग बींग को। जैसे आप इसमें बात करें, आप एग्जांपल में लेते हैं ओल्ड मेडिसिन होते हैं, ओल्ड एक्सपायर्ड मेडिसिन हैं। आप बात करते हैं कुछ शार्प्स होते हैं, ये चीजें लाइक जैसे आप देखें ओल्ड एक्सपायर्ड मेडिसिन हैं, ये इन्फेक्शन नहीं करती हैं, लेकिन अगर आप इनको एडमिनिस्टर करते हैं एक्सपायर्ड मेडिसिन को, तो ये टॉक्सिक इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं, ये हजार्डस हो सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं उस पर्सन को, उस पेशेंट को। या फिर आप साप्स की बात करें, आप स्टराइल साप्स की बात करते हैं जो कि इन्फेक्शन नहीं कॉज करेगा, लेकिन अगर वो प्रिक हो जाता है कहीं पर जाकर के लग जाता है तो वो इंजरी कॉज कर सकता है उस पर्टिकुलर बॉडी में, तो ये हजार्डस वेस्ट में आते हैं। जनरली आप अगर देखते हैं जनरली हैजार्डस वेस्ट जो है ये इन्फेक्शस नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। थर्ड अगर हम वेस्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा वेस्ट आएगा इन्फेक्शस एंड हैजार्डस वेस्ट के बाद, नेक्स्ट हमारा वेस्ट आता है रेडियो एक्टिव वेस्ट। मतलब क्या होता है रेडियो एक्टिव, मतलब जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं,
रेडियो एक्टिव ऐसे इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे हम रेडियो एक्टिव जो आयनाइज्ड या नॉन आयनाइज्ड जो रेडिएशंस जनरेट करा करके कोई पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं उसमें जो वेस्ट जनरेट होता है वो रेडियो एक्टिव वेस्ट में आता है। फॉर एग्जाम्पल आप कैंसर थेरेपी की बात करते हैं, कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए जो आप कीमोथेरेपी दे रहे होते हैं उसमें जो आप एक रेडिएशन थेरेपी देते हैं उस रेडिएशन थेरेपी के बाद जो वेस्ट जनरेट होता है वो रेडियो एक्टिव वेस्ट कहलाता है। अब कुछ पैथोलॉजिकल वेस्ट भी ऐसे होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव वेस्ट के कॉन्टामिनेशन में आ जाते हैं, उनके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, तो उनका भी जो ट्रीटमेंट होगा उनको भी रेडियो एक्टिव वेस्ट के ही कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। तो मेनली जो है रेडियो एक्टिव वेस्ट ये कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें जनरल वेस्ट, नेक्स्ट वेस्ट हमारा कौन सा है? जनरल वेस्ट। नेक्स्ट वेस्ट हमारा आता है जनरल वेस्ट, ऐसा वेस्ट जो कि इन अबव थ्री जो हमारे तीन ऊपर के जो ये टाइप्स दिए गए हैं, तीन क्लासेस जो दिए गए हैं, इनमें फिट नहीं होते। जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं, पेपर्स हो गए, कुछ फोमाइट्स हो गए, कुछ अटेंसिल्स हो गए, या फिर कुछ ऐसे सिरिंजेस जो नॉन कंटामिनेटेड प्लास्टिक्स हो गए, मतलब ऐसे वेस्ट जो जनरल हैं, मतलब इन तीनों में फिट नहीं होते हैं, वो जनरल वेस्ट कैटेगरी में आते हैं। तो मेनली ये चार टाइप के बायोमेडिकल वेस्ट आपको बताए जाते हैं। इसके बाद हम इनके सोर्सेज को देखते हैं, ये वेस्ट कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट में जो हम देखते हैं मेनली दो टाइप के सोर्सेज होते हैं जो कि बायोमेडिकल वेस्ट को जनरेट करते हैं। उन दो टाइप के सोर्सेज को, पहला जो सोर्स है मेजर सोर्स है, मेजर सोर्स की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल जो हॉस्पिटल्स हैं या बिग हॉस्पिटल्स की आप बात कर लेते हैं, हॉस्पिटल्स की बात करते हैं आप, लैब्स की बात कर लेते हैं, वेरियस लेबोरेटरीज जो होते हैं, पैथोलॉजिकल लैब्स जो होते हैं, रिसर्च सेंटर की आप बात कर सकते हैं, रिसर्च सेंटर्स होते हैं, ये आपके मेजर सोर्स में आते हैं। ब्लड बैंक्स हो जाते हैं, ये आपके जो है कुछ मेजर सोर्सेज में आते हैं, मतलब जो बिग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जनरली बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट करने वाले, ये हमारे मेजर सोर्सेज में आते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सोर्स आता है वो माइनर सोर्सेज में आता है। माइनर सोर्स को अगर आप देखें ध्यान से, माइनर सोर्स में अगर आप देखें, माइनर सोर्स जैसे क्लिनिक्स की बात कर लेते हैं आप, क्लिनिक्स की बात कर लेते हैं आप, पैरामेडिक्स या पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स की आप बात कर लेते हैं, कॉस्मेटिक क्लिनिक्स, ये कुछ ऐसे सोर्स हैं जो माइनर सोर्स होते हैं जहां से थोड़े वेस्ट निकलते हैं, जिनका अगर आप क्वांटिफिकेशन करते हैं तो इनकी क्वांटिटी थोड़े अमाउंट में जब वेस्ट निकलते हैं वो माइनर सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कहलाते हैं। मेजर सोर्स में आप देखें जनरली से एनिमल रिसर्च सेंटर हो गया, ह्यूमन रिसर्च सेंटर हो गया, ब्लड बैंक्स हो गए आपके, और हॉस्पिटल्स हो गए, बड़े बड़े लैब्स हो गए, लेबोरेटरीज, पैथोलॉजीज हो गई, वो जो भी हैं ये सब मेजर सोर्स में आते हैं जहां से लार्ज अमाउंट में आपका बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। मेनली ये सोर्सेज कहलाते हैं। सोर्सेज के बाद जब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की ओर, ये तो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट था, उसके टाइप्स थे, उनके सोर्सेज थे, अब हम इसका मैनेजमेंट देखते हैं, कैसे हम इस बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट करते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के जो रूल्स दिए गए थे 1998 में दिए गए थे, 1998 में जो रूल्स दिए गए थे, किसी भी बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट करने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं। मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट में जिन बातों को हम ध्यान रखते हैं, हमारे जो मेन स्टेप्स होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के, इन मेन स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए तब वेस्ट का मैनेजमेंट करते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, वेस्ट का हमें सर्वे करना होता है और उसका कैरेक्टराइजेशन करना होता है, मतलब जो वेस्ट आया है, जो वेस्ट जनरेट हुआ है, सबसे पहले उसको हमें देखना है, सर्वे करना है, कैसा वेस्ट है, हजार्डस है, नॉन हजार्डस है, इन्फेक्शियस कितना है और जनरल वेस्ट कितने हैं, मतलब उसको कंप्लीटली सर्वे करना है, सर्वे करके उसको कैरेक्टराइज करना है, जो हजार्डस है उसको अलग रखना है, नॉन हजार्डस को अलग रखना है, जनरल वेस्ट को अलग रखना है, इन्फेक्शियस को अलग रखना है, मतलब उसको कैरेक्टराइज करके चलना है, उनके कैरेक्टर्स को पहले पहचान लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफाई करना है उस वेस्ट को कि हजार्डस कितना है, नॉन हजार्डस कितना है, जनरल वेस्ट कितना है, हर टाइप के वेस्ट को, जो भी वेस्ट जनरेट हुआ है उसको क्वांटिफाई करना है, सबसे पहले उसकी क्वांटिटी, उसका अमाउंट कितना है उसको डिसाइड कर लेना है, उसको लेकर के आगे चलना है। फिर नेक्स्ट आता है सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब एक एक वेस्ट को आप सेपरेट आउट करते हैं मतलब लाइक अलग अलग जो पैकिंग होती है उस वेस्ट की, उसके अकॉर्डिंग सेग्रीगेट करके उसको अलग अलग पैकिंग करते हैं, जो भी हजार्डस है, नॉन हजार्डस है, जो प्रिकी है, मेटल्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, उनको अलग अलग पैकिंग करते हैं। पैकिंग
करने के बाद कलेक्ट करते हैं और कैटेगराइज करने का काम करते हैं। पैकिंग करने के बाद हम वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और उसका कैटेगराइजेशन करते हैं। वेस्ट का जो कैटेगराइजेशन है इसको कम्प्लीटली 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसके नेक्स्ट स्टेप में आपको हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, कलेक्शन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट। वेस्ट को कलेक्ट करना है, मतलब कम्प्लीटली जो भी बैग्स में, जिस डिस्पोजल बैग्स में वो स्टोर किए गए हैं, उनको हमें कम्प्लीटली कलेक्ट करना है। कलेक्ट करके उनकी कैटेगरी को डिसाइड करके अलग अलग कैटेगराइज कर देना है। उसके बाद उस वेस्ट का स्टोरेज करना है। अब उन बैग्स को एक जगह स्टोर करके रखना है। कहाँ पर उसको आगे ले जाने के लिए आप रखते हैं, तो उसको सबसे पहले उसका स्टोरेज करना है, उस वेस्ट का उस बैग में स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज करने के बाद अब उन बैग्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एक स्पेशली बायोमेडिकल वेस्ट के व्हीकल आते हैं, उन व्हीकल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन में भी ध्यान ये रखा जाता है कि अवॉइड किया जाए प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन को, बहुत ज़्यादा टाइम तक उसको ना ले जाया जाए। मतलब ऐसा हो कि एज सून एज पॉसिबल उसको ट्रांसपोर्ट आउट किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। ट्रांसपोर्टेशन के बाद आप ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट के जो मेथड्स होते हैं, लाइक जैसे मैकेनिकल मेथड्स होते हैं, थर्मल होता है और आपका केमिकल ट्रीटमेंट होता है, आपका इंसिनरेशन वगैरह आते हैं। तो मतलब ऐसे जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, इन ट्रीटमेंट्स के थ्रू उस पर्टिकुलर वेस्ट को जो है उसके इन्फेक्शस प्रॉपर्टी को जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय करने के बाद उस वेस्ट का डिस्पोजल किया जाता है, जैसे लैंडफिलिंग करते हैं, डीप बरिंग करते हैं, इंसिनरेशन करते हैं। तो ये एक ऐसे मेथड्स होते हैं जिससे वेस्ट को डिस्पोज कर दिया जाता है। तो कम्प्लीटली जो वेस्ट का, बायोमेडिकल वेस्ट का जो एक ट्रीटमेंट होता है, बायोमेडिकल वेस्ट का जो मैनेजमेंट होता है, उसके ये मेन 7 स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स को हम आगे वन बाई वन एक्सप्लेन आउट करते आपको चलते हैं। इसके पहले आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम इन स्टेप्स का मैनेजमेंट कैसे होता है वो हम आपको पहले दिखाना चाहेंगे। जनरली जो हम स्टेप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट देखते हैं, उसमें कुछ ऐसे स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं जैसा आपको फ्लो चार्ट में दिखाई दे रहा है। जैसे वेस्ट का जो जनरेटर है, वेस्ट जनरेटर जो है वो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, क्लिनिक्स वगैरह, जहाँ से वेस्ट जनरेट हो रहा है। जनरेट होने के बाद आप इस वेस्ट का क्या करते हैं, इन हाउस सेग्रीगेशन करते हैं। सेग्रीगेशन मीन्स वेस्ट को कलेक्ट करना, कलेक्ट करके उसको सेपरेट आउट करना, डिवाइड करना, अलग अलग कलर कोड्स में पैकिंग करना, कलर कोडेड बैग में पैकिंग करना, ये सेग्रीगेशन में आता है। तो इन हाउस इसका सेग्रीगेशन किया जाता है। सेग्रीगेशन करने के बाद इसको कॉमन स्टोरेज पॉइंट जो होते हैं, उन स्टोरेज पॉइंट्स पर स्टोर कर लिया जाता है। ऐसे हॉस्पिटल में ही वेरियस स्टोरेज पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर वेस्ट को स्टोर कर लिया जाता है। उन वेस्ट स्टोरेज पॉइंट पर स्टोर करना, या फिर एक कॉमन स्टोरेज पॉइंट जहां से आप लोडिंग कर देंगे उस वेस्ट की एक किसी व्हीकल में, तो आप क्या करेंगे, यहां पर कॉमन स्टोरेज पॉइंट पर स्टोर कर देंगे। स्टोर करने के बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। वेस्ट को आप ट्रांसपोर्ट करेंगे एक स्पेशल व्हीकल से, एक ऐसा स्पेशल व्हीकल जिसको एक अप्रूवल मिला हो बायोमेडिकल वेस्ट का जो है ट्रांसपोर्टेशन करने का, उस व्हीकल से आप इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट करके जब इसको ले जाते हैं जहां पे आपको इसका ट्रीटमेंट करना है, वहां पर ले जाकर के अनलोड करते हैं। मतलब जो भी व्हीकल पर लोडेड है वेस्ट, उसको अनलोड करते हैं। अनलोड करने के बाद आप क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब उस वेस्ट का पर्टिकुलर ट्रीटमेंट करते हैं। उससे इन्फेक्शस जो एक प्रॉपर्टी है उसकी, उसको ख़त्म करते हैं, जो एक हजार्डस प्रॉपर्टी है उसको ख़त्म करते हैं। तो उसकी जो ये प्रॉपर्टी, उसको जो एक रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी है उसको ख़त्म करते हैं, मतलब इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के जो मेथड हैं, जैसे इंसिनरेशन, मतलब टू बर्न आउट, जला करके आप एशेज में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर आप ऑटोक्लेविंग मेथड के थ्रू, जैसे आपको स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेविंग मेथड बताया गया था, उसके थ्रू आप इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद आप उसका रीयूज करने के लिए उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आपका श्रेडिंग आता है, ऐसे साप्स वगैरह होते हैं, नीडल्स वगैरह, सिरिंज वगैरह, उनको श्रेड आउट कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, कट करके उनके रीयूज से उनको प्रिवेंट किया जाता है, ताकि उनका दोबारा यूज ना किया जा सके। ये ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट करने के बाद इनका कंप्लीट डिस्पोजल करते हैं। डिस्पोजल में आप क्या करते हैं, जनरली डिस्पोजल में आप क्या करेंगे, रिसाइकलिंग करते हैं। मतलब लाइक अगर आप किसी चीज़ का, किसी उसका कंटेंट का फिर से यूज़ करना चाहते हैं, उसको आप रिसाइकल करते हैं। रिसाइकल लैंड फिलिंग करते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर उसको फिल करके दबा दिया जाता है। और उसके बाद बरिंग करते हैं ज़मीन के अंदर, डीप बरिंग, मतलब अंदर तक उसको जो है डाल करके दबा देते हैं, दफना देते हैं। तो ऐसे इसका प्रॉपर डिस्पोजल किया जाता है। या फिर आप सीवेज ड्रेनिंग भी करते हैं, सीवेज में ड्रेन आउट कर देते हैं। उससे जो है आप, जैसे केमिकल वेस्ट होते हैं, जनरली लिक्विड वेस्ट होते हैं, फ्लूड वेस्ट, उनका जो है सीवेज ड्रेनिंग करके उनको डिस्पोज किया जाता है। तो ये एक मेथड होते हैं वेस्ट जनरेट होने से लेकर के वेस्ट डिस्पोज होने तक में कौन कौन से ऐसे स्टेप्स आते हैं जिन्हें आपको फॉलो करते हैं उस पर्टिकुलर वेस्ट के डिस्पोजल में। अब इन स्टेप्स को, जो इसके पहले आपको मैंने 7 स्टेप्स बताए थे वेस्ट सर्वे कैरेक्टराइजेशन से स्टार्ट करके, एक एक स्टेप को आपको डीपली हम एक्सप्लेन करते चलते हैं। फर्स्ट स्टेप जो हमारा वेस्ट सर्वे एंड कैरेक्टराइजेशन आता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के स्टेप्स में, मेथड्स में, तो सबसे पहला जो वेस्ट का सर्वे होता है, सर्वे में आप क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि वेस्ट किस टाइप का है। मतलब डिटरमाइन
द टाइप ऑफ वेस्ट, वेस्ट के टाइप को आप डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन करने के बाद आप जो नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि इसका जनरेशन पॉइंट क्या है, डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑफ जनरेशन, पॉइंट्स ऑफ जनरेशन मतलब वेस्ट जो है वो किस पॉइंट पर जनरेट हुआ है, और इसी के साथ साथ लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन इन हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल में डिसइंफेक्शन का क्या लेवल है, मतलब जो वेस्ट जनरेट हुआ किस हद तक वो इन्फेक्शस हो सकता है, उसका कंप्लीटली आप कैरेक्टराइजेशन करते हैं, उसका कंप्लीटली आप सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद ही आप जो भी स्टोरेज पॉइंट होते हैं वहाँ पर आप सर्वे करते हैं, उसके बाद ही आप वेस्ट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप जो आता है, वेस्ट सर्वे एंड कैरेक्टराइजेशन आता है, जिसमें हमें वेस्ट को सर्वे करना होता है, देखना होता है, उसको सुपरवाइज करना होता है, और उसके साथ साथ जो है उसकी कैरेक्टर जो है उसके पहचानने होते हैं, कितना इन्फेक्शस हो सकता है, कितना नॉन इन्फेक्शस हो सकता है, कौन सा हैजार्डस वेस्ट हो सकता है, कौन सा नॉन हैजार्डस हो सकता है, जनरल क्या है, वो पूरा डिटरमाइन कर लेते हैं। डिसइन्फेक्शन लेवल क्या है हॉस्पिटल में, कैसे कितना हद तक इन्फेक्शस हो सकता है वेस्ट, ये कंप्लीटली आप करेक्टराइज करने के बाद ही आप वेस्ट का ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट के अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें, नेक्स्ट आता है वेस्ट क्वांटिफिकेशन का, वेस्ट क्वांटिफिकेशन। अगर आप वेस्ट क्वांटिफिकेशन करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, मतलब वेस्ट की क्वांटिटी कितनी है, अमाउंट ऑफ जनरेटेड वेस्ट, वेस्ट जो जनरेट हुआ कितना अमाउंट है, फ्लूड वेस्ट कितना है, केमिकल वेस्ट कितना है, हजार्डस कितना है, नॉन हजार्डस कितना है, इन्फेक्शस वेस्ट कितना है, प्लास्टिक वेस्ट कितना है, पेपर वेस्ट कितना है, जनरल कितना है, रेडियो एक्टिव कितना है, मतलब कंप्लीट क्वांटिटी, कंप्लीट अमाउंट वेस्ट का जो है आप पहले निकाल लेते हैं, क्वांटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद ही आप वेस्ट का ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग, उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, उसकी कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग ही आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्वांटिटी को देखें तो मेनली जो 15% ऑफ टोटल वेस्ट होता है, 10-15% आप कह सकते हैं टोटल वेस्ट जो होता है हॉस्पिटल का, ये इन्फेक्शस होता है। 10-15% टोटल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट जितना भी जनरेट होता है उसका 10-15% जो है वो इन्फेक्शस वेस्ट होता है। रेस्ट 80-85% अगर आप देखें ये जो है नॉन इन्फेक्शस में आता है, ये नॉन इन्फेक्शस मतलब जनरल वेस्ट आप कह सकते हैं इसको, नॉन इन्फेक्शस की बजाय आप इसको सीधा सीधा जनरल वेस्ट कह सकते हैं। इसके अलावा जो रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं, आपके हजार्डस वेस्ट हैं, वो जनरली 1-5% के अंदर दोनों रहते हैं, आपके रेडियो एक्टिव वेस्ट और हजार्डस वेस्ट 1-5% के अंदर दोनों रहते हैं। तो जो वेस्ट का क्वांटिफिकेशन करते हैं, इस परसेंटेज के रेशियो को आपको देखना है कि कहीं इस रेशियो को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है, इन्फेक्शस वेस्ट ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है इन्फेक्शन का हॉस्पिटल में, ये सारी चीज़ें देख करके आप वेस्ट का क्वांटिफिकेशन करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं कि वेस्ट कितना हॉस्पिटल से जनरेट हुआ है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। सेग्रीगेशन बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वेस्ट मैनेजमेंट का मेथड होता है या स्टेप होता है, इसमें जनरली क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं उस वेस्ट की क्वांटिटी को जो है क्वांटिफाई करके, उसकी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, उसके टाइप के अकॉर्डिंग उसको सेग्रीगेट किया जाता है, सेपरेट आउट किया जाता है, अलग अलग कंटेनर्स में, अलग अलग बैग्स में उसको स्टोर किया जाता है, वो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट आता है। इसी के अकॉर्डिंग आप जो है हैंडलिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, या फिर आप डिस्पोजल कॉस्ट, डिस्पोजल मेथड जो है, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन का जो एक लेवल ऑफ स्प्रेड इन्फेक्शन है, ये सारी चीज़ें इनके जो रिस्क को आप कम कर सकते हैं, इनकी कॉस्ट को आप कम कर सकते हैं सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट से। वेस्ट सेग्रीगेशन में कलर कोडिंग जो यूज़ की जाती है, वेरियस जो प्लास्टिक बैग्स यूज़ किए जाते हैं, या फिर आप कंटेनर्स की बात करते हैं, वो कंटेनर्स जो यूज़ किए जाते हैं उनमें एक कलर कोडिंग देखी जाती है। कलर कोडिंग में जब आप देखते हैं तो सबसे पहला जो कलर कोड आता है हमारा जो नॉन इन्फेक्शस वेस्ट का आता है, इसमें साइटोटॉक्सिक ड्रग्स या फिर वेरियस केमिकल एजेंट्स जो भी होते हैं, केमिकल वेस्ट जो होते हैं, उनका जो डिस्पोजल होता है वो ब्लैक कंटेनर में किया जाता है, ब्लैक प्लास्टिक कंटेनर में इसका जो है डिस्पोजल किया जाता है। और इसका डिस्पोजल जब करने लगते हैं, मतलब लाइक स्टोरेज जो करते हैं ब्लैक प्लास्टिक कंटेनर में करते हैं, इनका डिस्पोजल करने के लिए इनकी सिक्योर लैंड फिलिंग कराई जाती है, मतलब लैंड के अंदर इनको दफना दिया जाता है सिक्योरली। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इन्फेक्शस वेस्ट आता है, जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इन्फेक्शन कॉज करने वाले जो वेस्ट होते हैं
जैसे फर्स्ट एग्जांपल आप देखें सॉइल्ड वेस्ट, जैसे सॉइल्ड ड्रेसिंग्स हो गए, पीओपी कास्ट वगैरह हो गए, इनका जो डिस्पोजल करते हैं हम रेड कंटेनर के अंदर करते हैं। रेड कंटेनर के अंदर हम इनका स्टोरेज करने के बाद इनका केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, इनको केमिकली ट्रीट किया जाता है, इनके इन्फेक्शस प्रॉपर्टी को केमिकली ट्रीट कर देते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद इसका डीप बरियल करते हैं, मतलब डीपली जमीन के अंदर दफना दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है एनाटॉमिकल वेस्ट जो होते हैं, इन्फेक्शस वेस्ट में एनाटॉमिकल मतलब जैसे प्लेसेंटा हो गया, एनाटॉमिकल बॉडी पार्ट्स हो गए, पैथोलॉजिकल वेस्ट हो गए। तो ऐसे एनाटॉमिकल वेस्ट जो हमारी बॉडी पार्ट से बिलोंग करते हैं, ऐसे एनाटॉमिकल वेस्ट, इन्फेक्शस वेस्ट जो होते हैं, इनको येलो प्लास्टिक कंटेनर में हम डिस्पोज करते हैं, इनको येलो प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद इनकी ऑटोक्लेविंग की जाती है, ऑटोक्लेविंग के द्वारा जो है इनको ट्रीट किया जाता है। ऑटोक्लेविंग ट्रीट करने के बाद इनको डीप बरी कर दिया जाता है, जमीन के अंदर डीपली बरी कर दिया जाता है। तो ये जो है इनको कंप्लीटली इन्फेक्शन, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन करके जमीन के अंदर डीपली बरी कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है इन्फेक्शन, जो इन्फेक्टेड प्लास्टिक होते हैं, इन्फेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट लाइक जैसे सिरिंज की आप बात कर लेते हैं, आप ग्लव्स की बात कर लेते हैं, प्लास्टिक वेस्ट अदर जो होते हैं इन्फेक्टेड वेस्ट उनकी आप बात करते हैं, ये जो वेस्ट होते हैं इनको ब्लू प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर किया जाता है और उसके बाद इनका डिसइन्फेक्शन किया जाता है 1% क्लोरीन सॉल्यूशन के द्वारा, मतलब केमिकल डिसइन्फेक्शन इनका किया जाता है। केमिकल डिसइन्फेक्शन करने के बाद इनकी रिसाइकलिंग की जाती है, रिसाइकलिंग करके इनको फिर से रीयूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं शार्प्स, साफ वेस्ट मतलब ऐसे वेस्ट जो कि जनरली लाइक जो प्रिकी होते हैं, प्रिक कर सकते हैं, जिन्हें टच करने से इंजरी वगैरह हो सकती है, ऐसे वेस्ट को जब आप स्टोर करते हैं तो इन्हें जो है जैसे नीडल हो गए, ग्लास हो गए, कटेड ग्लासेस हो गए, इनका जो वेस्ट आप डिस्पोजल करते हैं ये व्हाइट प्लास्टिक कंटेनर में इनका यूज किया जाता है। और ऐसा कंटेनर जो पंक्चर प्रूफ कंटेनर हो, पंक्चर प्रूफ व्हाइट प्लास्टिक कंटेनर में इनका डिस्पोजेबल या इनका डिस्पोजल किया जाता है या इनका स्टोरेज किया जाता है। स्टोरेज करने के बाद आप इनका भी डिसइन्फेक्शन करते हैं, 1% क्लोरीन सॉल्यूशन के द्वारा डिसइन्फेक्शन करते हैं। डिसइन्फेक्शन करने के बाद आप इनको शार्प पिट में स्टोर करके इसके बाद केमिकली ट्रीटमेंट करके, केमिकली इनको ट्रीट करके, सेग्रीगेट करके और उसके साथ इनको जो है फिर डिस्पोज कर दिया जाता है। इनका जो है रीयूज जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए इन्हें सेग्रीगेट कर दिया जाता है, इन्हें कटआउट कर दिया जाता है। तो इससे इनके फिर से जो है रीयूज होता है, उससे प्रिवेंट किया जाता है। दूसरी चीज क्या होती है कि इसके अलावा जो जनरल वेस्ट होते हैं, जनरल वेस्ट मतलब पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ऐसे वेस्ट जो होते हैं इनका डिस्पोजल करने के लिए जो है आपको जो अदर कलर दिए गए हैं, जो मतलब अबव जो कलर बिन दिए गए हैं, इसके अलावा किसी भी कलर बिन में यूज़ किया जा सकता है। मतलब जो आपको येलो, ब्लैक, वाइट, ब्लू, रेड ये दिए गए हैं, ये कलर को छोड़ करके आप किसी भी कलर में अदर जनरल वेस्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं, उनका स्टोरेज कर सकते हैं। तो जनरली हमारा जो है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट में आपको ये चीज़ें हम बताते हैं, ये कलर कोडिंग्स फॉलो की जाती हैं। इसके बाद सेग्रीगेशन जब आप कर लेते हैं, सेग्रीगेट करने के बाद जब आप वेस्ट को स्टोर कर लेते हैं, स्टोर करने के बाद सबसे पहली चीज़ क्या होती है, लेबलिंग की जाती है, लेबलिंग ऑफ कंटेनर। जो भी कंटेनर है उसकी वेल लेबलिंग की जाती है। लेबल में बाकायदा आपको वेस्ट का टाइप, उसका जो है किस कलर कोड से है और कितनी क्वांटिटी, वो सारी चीज़ें आप लेबलिंग कर लेते हैं। लेबलिंग करने के बाद ही आप उस वेस्ट को आगे डिस्पोज करने के लिए ले जाते हैं। तो ये लेबलिंग ऑफ कंटेनर किया था सेग्रीगेशन के साथ ही। नेक्स्ट स्टेप हमारा था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, कलेक्शन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट का कलेक्शन करना और उसकी कैटेगरी को डिसाइड करना, कौन सी कैटेगरी का ये वेस्ट है जो आपने सेग्रीगेट किया था, स्टोर कर लिया उसको, मतलब लाइक पैकिंग कर दिया आपने। अब जो है आप उस वेस्ट का जो है कलेक्शन करते हैं पैकिंग के लिए, सेग्रीगेट करने के बाद। तो कलेक्शन में आप क्या करते हैं, जनरली वेस्ट को जब आप कलेक्ट करते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान रखा जाता है कि जिस कंटेनर में आप कलेक्ट कर रहे हैं वो कंटेनर 100% अचीव करना चाहिए उस पर्टिकुलर वेस्ट को, मतलब लाइक वेस्ट की ओवर स्पिलिंग ना हो रही हो, वेस्ट फैल ना रहा हो उस कंटेनर से बाहर। ऐसा कंटेनर होना चाहिए जो कंप्लीटली उसको उसमें इन्वॉल्व हो सके, वो वेस्ट जो है कंप्लीटली उसके अंदर रह सके, कंप्लीटली समा सके, उसका स्पिल ओवर ना हो। नेक्स्ट चीज आती है जो शार्प्स होते हैं, शार्प्स को जो है कलेक्ट करने के लिए आपको मेनली पंक्चर प्रूफ कंटेनर लेना चाहिए।
मतलब जो आप शार्प्स का स्टोरेज कलेक्शन कर रहे हैं उसमें पंक्चर प्रूफ कंटेनर आपको यूज करना होता है, ऐसा कंटेनर जिसमें पंक्चर ना हो सके, जो जिसकी जो वॉल हो वो डैमेज ना हो सके आसानी से, जिससे कि पंक्चर प्रूफ कंटेनर रहेगा तो बाहर उसके प्रिक होने के चांसेस नहीं रहते हैं। इसके साथ साथ जो भी कंटेनर, उसकी प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए। लेबलिंग के साथ जब आप उसको हैंडलिंग करते हैं पर्टिकुलर उस कंटेनर की, जब आप उस वेस्ट को कहीं ले जा रहे हैं उस कंटेनर को हैंडल कर रहे हैं, तो हैंडल करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर हैंडलिंग की जानी चाहिए। और उसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, गाउन, ग्लव्स, मास्क, ये सारी चीज़ें जो स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशंस की चीज़ें हैं, इनको प्रॉपरली वियर करना है। वियर करने के बाद ही उस पर्टिकुलर वेस्ट को जो है आप ट्रीट करते हैं या कलेक्ट करते हैं या उसकी हैंडलिंग करते हैं। इसके बाद आपका कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट आता है। कैटेगराइजेशन में मेनली 10 टाइप्स ऑफ या 10 कैटेगरीज ऑफ द वेस्ट डिसाइड की गई हैं। इन कैटेगरीज को जब हम देखते हैं ध्यान से, जो फर्स्ट कैटेगरी आती है कैटेगरी नंबर 1 में आप देखें तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट आता है, जो कि कैटेगरी नंबर 1 में आता है, जिसमें जनरली ह्यूमन टिश्यूज, ऑर्गन्स, ये सब आते हैं कैटेगरी नंबर 1 में। नेक्स्ट कैटेगरी आप देखते हैं कैटेगरी नंबर 2 में, इसमें एनिमल वेस्ट आते हैं, जैसे एनिमल कारकसेस। कारकसेस मतलब एनिमल्स की डेड बॉडीज जो होती हैं, एनिमल टिश्यूज, बॉडी पार्ट्स जो भी होते हैं, ब्लीडिंग पार्ट्स, फ्लूड, ब्लड, ये सब चीजें जो आती हैं ये कैटेगरी नंबर 2 में आती हैं। नेक्स्ट आपका आता है कैटेगरी नंबर 3, जिसमें माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लेबोरेटरी कल्चर्स होते हैं, कल्चर्स के जो वेस्ट होते हैं, या फिर आप स्पेसिमेन के जो वेस्ट होते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से, जो स्पेसिमेन कलेक्ट किया गया उसका जो वेस्ट होता है, ये कैटेगरी नंबर 3 में आता है। नेक्स्ट आपका आता है कैटेगरी नंबर 4, जिसमें शार्प वेस्ट रखे जाते हैं, मतलब जिनमें पंक्चर प्रूफ कंटेनर आपको यूज करना है, ये कैटेगरी नंबर 4 में आए। जैसे नीडल, सिरिंज, स्कैल्पेल, ब्लेड, ग्लास, ये सब चीजें जो होती हैं ये शार्प वेस्ट जो होते हैं ये कैटेगरी नंबर 4 में आते हैं। नेक्स्ट आपका है कैटेगरी नंबर 5, जो आप कैटेगराइजेशन करते हैं। कैटेगरी नंबर 5 में आप क्या देखते हैं, डिस्कार्डेड मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन लाइक एक्सपायर्ड मेडिसिन हैं या डिस्कार्डेड मेडिसिन हैं जो पेशेंट की यूज में नहीं आई, ऐसी मेडिसिन का जो आप डिस्पोजल करते हैं, या साइटोटॉक्सिक वेस्ट होते हैं जो कि नॉन हैजार्डस या नॉन इन्फेक्शस हैं, इनका जब आप जो इनको जब कैटेगराइज करते हैं तो ये मेनली कैटेगरी नंबर 5 में आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कैटेगरी नंबर 6, जिसमें सॉइल्ड वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट मतलब लाइक जैसे सॉइल्ड बॉडी फ्लूड्स हो गया, कॉटन ड्रेनेज हो गया, सॉइल्ड प्लास्टर कास्ट हो गए, ये चीज़ें जो होती हैं ये आपके सॉइल्ड वेस्ट में आते हैं कैटेगरी नंबर 6 में। कैटेगरी नंबर 7 को जब आप देखें तो इसमें मेनली सॉलिड वेस्ट आते हैं। सॉलिड वेस्ट कैसे, ऐसे वेस्ट जो कि जनरली डिस्पोजेबल आइटम जैसे ट्यूबिंग, कैथेटर्स, आईवी सेट, इनके जो वेस्ट होते हैं, सॉलिड वेस्ट जो होते हैं ये आपके कैटेगरी नंबर 7 में आते हैं। कैटेगरी नंबर 8 की अगर आप बात करें, इसमें मेनली लिक्विड वेस्ट आते हैं, जैसे एग्जांपल आप लैब से जो वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, वॉशिंग क्लीनिंग के बाद जो वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, कुछ केमिकल्स से जो वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, ये लिक्विड वेस्ट जो है वो कैटेगरी नंबर 8 में आते हैं। नेक्स्ट आप देखें कैटेगरी नंबर 9, इसमें इंसिनरेशन वेस्ट आता है, मतलब ऐसे वेस्ट जिनको आप हीट थेरेपी देने के बाद, ट्रीट करने के बाद जो वेस्ट निकलता है, जैसे एसेस, राख होती है किसी चीज की, वो जो ऐसे वेस्ट जो आते हैं ये आपके कैटेगरी नंबर 9 में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें कैटेगरी नंबर 10, इसमें मेनली केमिकल वेस्ट आते हैं, ऐसे केमिकल्स जो कि किसी बायोलॉजिकल या केमिकल प्रोसीजर में यूज किए गए हों डिसइंफेक्शन करने के लिए, ऐसे जो केमिकल्स होते हैं ये वेस्ट जो है वो कैटेगरी नंबर 10 में यूज किए जाते हैं। तो ये मेनली हमारे 10 कैटेगरीज थे जो कि आपको वेस्ट की कैटेगराइजेशन में देखे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप आप देखें वेस्ट डिस्पोजल या वेस्ट मैनेजमेंट में, तो स्टोरेज ऑफ वेस्ट आता है। वेस्ट को जो आप स्टोर करते हैं, मतलब कैटेगराइज कर लिया आपने वेस्ट की जो है, आपने कैरेक्टर्स को डिसाइड कर लिया, उसको कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद आप उसका स्टोरेज कर रहे हैं। स्टोरेज करने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होता है कि पर्टिकुलर कंटेनर होने चाहिए, पर्टिकुलर एक वेस्ट के लिए, जिस भी कैटेगरी का वेस्ट है उस कैटेगरी के लिए पर्टिकुलर एक कंटेनर होना चाहिए, कंटेनर वेल लेबल्ड होना चाहिए। और साथ ही साथ स्टोरेज में एक बात ये ध्यान रखी जाती है कि जो माइनर सोर्सेज हैं, मतलब लाइक क्लिनिक्स हो गए, पैरामेडिक्स हो गए या कॉस्मेटिक क्लिनिक्स हो गए, यहां से आने वाले जो वेस्ट हैं इनका जो मैक्सिमम स्टोरेज है इसको आप 24 आवर्स तक कर सकते हैं। मतलब जो कॉमन स्टोरेज पॉइंट है वहां पर आप 24 आवर्स तक इसका स्टोरेज कर सकते हैं, या फिर कलर कोडिंग कंटेनर्स में जो आप स्टोरेज करते हैं वो 24 आवर्स तक मैक्सिमम स्टोरेज कर सकते हैं माइनर सोर्सेज से आने वाले वेस्ट का। और जो मेजर सोर्सेज हैं लाइक जैसे बिग हॉस्पिटल्स हो गए, ब्लड बैंक्स हो गए, लैब्स हो गए, वहां से जो वेस्ट आ रहे हैं उनका स्टोरेज जो है मैक्सिमम 8-10 आवर्स ही किया जाता है, मेनली 8-10 आवर्स ही किया जाता है उसका स्टोरेज। स्टोरेज करने के बाद आप जो है उसको प्रॉपरली ट्रीट कर देते हैं उस पर्टिकुलर वेस्ट को। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी होती हैं
वेस्ट के स्टोरेज के समय, स्टोरेज जिस भी कंटेनर में करेंगे प्रॉपर कंटेनर उसका होना चाहिए पर्टिकुलर वेस्ट के लिए, उसको वेल लेबल्ड कंटेनर होना चाहिए, मेनली साप्स के लिए पंक्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। तो ये कुछ खास बातें होती हैं जो हमें स्टोरेज ऑफ वेस्ट में ध्यान रखनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है कि आपको एक स्पेशल ऐसा अप्रूव्ड व्हीकल होना चाहिए जिससे आप वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना होता है जितने भी कंटेनर्स हैं प्रॉपरली पैक्ड हैं, प्रॉपरली लेबल्ड कंटेनर ही होने चाहिए। उसके साथ जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो उस शिफ्ट पर जो भी नर्स हैं या जो भी डॉक्टर हैं उस वेस्ट का पर्टिकुलर क्वांटिफिकेशन वगैरह वो जो भी होता है उसकी लेबलिंग के अकॉर्डिंग वो देखें, और उसके साथ जो भी एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उनके द्वारा प्रॉपरली साइंड होने चाहिए। साइंड डॉक्यूमेंट लेकर के ही उस वेस्ट के अकॉर्डिंग उसका जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, उस साइंड डॉक्यूमेंट में क्या होता है किस टाइप का वेस्ट है, किस कैटेगरी का वेस्ट है, कितनी दूर इसकी जो है कितना इसका डेस्टिनेशन जो है कहां पर इसको शिफ्ट करना है, ट्रांसपोर्टर कौन है जो उसको ले जा रहा है, और वो साइन करते हैं जो इंचार्ज होते हैं वहां के। ये पूरा पर्टिकुलरली डॉक्यूमेंटेशन होकर के तभी इसका ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। और ट्रांसपोर्टेशन साथ ये ध्यान रखना होता है कि जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं प्रॉपरली उनको ध्यान में रखना है, ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग ही उनको ट्रांसपोर्ट करना है। और ट्रांसपोर्ट के लिए जनरल म्यूनिसिपल वेस्ट का यूज, मतलब लाइक जनरल जो म्यूनिसिपल व्हीकल होते हैं उनका यूज नहीं करना चाहिए, चाहे वो हजार्डस वेस्ट हो या नॉन हजार्डस वेस्ट हो, उसमें आपको ध्यान रखना है। जनरल म्यूनिसिपल वेस्ट में आपको हॉस्पिटल वेस्ट का डिस्पोजल नहीं करना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना है, इसके लिए स्पेशल व्हीकल ही यूज करना है। और साथ ही साथ व्हीकल ले जाते समय आपको जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करना है, और साथ ही साथ स्पिलिंग से बचाना है, या एक्सेस एंट्री जो है वो सिवेंजर्स हैं, पब्लिक हैं या फिर ट्रांसपोर्टर हैं, ऐसे जो भी लोग हैं जो नहीं जानते कि ये वेस्ट है या फिर जो उसके कांटेक्ट में आ सकते हैं उनके कांटेक्ट से, उनके एक्सेस से उसको प्रिवेंट करना है, उन तक उनका कॉस्ट उसका जो मेनली कॉन्टैक्ट है उस वेस्ट का उनके कॉन्टैक्ट में ना आए। उसके साथ जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उसके इफेक्ट को ध्यान में रखना है, और जो ड्राइवर होना चाहिए वो ड्राइवर भी इस पर्टिकुलर वेस्ट मैनेजमेंट के जो मेथड्स होते हैं उनसे जनरली इंट्रोड्यूस्ड होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कैसे इस वेस्ट का डिस्पोजल किया जाता है, कैसे इस वेस्ट का सेग्रीगेशन पैकिंग की जाती है, जनरली वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक उसको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर जनरली कहीं पे कुछ एक्सीडेंटली ओपन हो जाता है, स्पिलिंग हो जाती है, कंटेनर जो है वो डैमेज हो जाता है, तो उसको फिर से वो पैकिंग वहां पर कर सके, तो इसके लिए ड्राइवर को भी प्रॉपरली ट्रेंड होना चाहिए इस बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक से। इसके साथ जब आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हैं तो करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन, इस ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो व्हीकल है उसको थरोली वॉश करना होता है केमिकल सॉल्यूशन से, उसको भी डिसइंफेक्ट करना होता है ट्रांसपोर्टेशन के बाद। तो जनरली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट में हमें ये बातें ध्यान रखनी होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट मेथड आता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का, वो आता है ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करना है, ट्रीट किससे करना है, उसके रीयूज से प्रिवेंट करने के लिए, कि उसके इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से प्रिवेंट करने के लिए, मतलब लाइक जो लोग कॉन्टैक्ट में उससे आएंगे या आ सकते हैं उनको इन्फेक्शन ना फैले उससे, या उनको कोई नुकसान ना हो, हजार्ड्स उसके जो है उनको इम्पैक्ट ना कर सकें, इन चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए आप पहले वेस्ट का ट्रीटमेंट करते हैं उसके डिस्पोजल से पहले। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो मेनली फाइव मेथड्स यूज किए जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, फर्स्ट वन आपका आता है मैकेनिकल ट्रीटमेंट। मैकेनिकल ट्रीटमेंट में क्या आता है, मान लीजिए बायोमेडिकल वेस्ट है तो आप मैकेनिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, जैसे आप श्रेडिंग की बात कर लें, श्रेडिंग एक ऐसा मेथड जिसमें आप कट कर देते हैं नीडल को, सिरिंजेस को, मतलब जो एक एनाटॉमिकल उसका शेप है उसका शेप आप चेंज कर देते हैं, शेप को चेंज करके आप जो है उसके रीयूज से उसको प्रिवेंट कर देते हैं, ये आता है आपका मैकेनिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आपका एक थर्मल ट्रीटमेंट। थर्मल ट्रीटमेंट में दो टाइप के मेथड यूज किए जाते हैं, फर्स्ट वन आपका लो हीट एंड नेक्स्ट वन आपका हाई हीट। लो हीट में जो आप टेम्परेचर यूज करते हैं अप टू 600 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर होता है, 550 या 600 डिग्री सेल्सियस तक का वो लो हीट में आता है, और हाई हीट में आपका 600 से 5500 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर आप यूज करते हैं ये आपका हाई हीट मेथड में आता है, हाई हीट ट्रीटमेंट में। इसमें आप देखें लो हीट में आप जनरली देखते हैं इसे ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेविंग आप देखते हैं, हॉट एयर वन देखते हैं, ये कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं, ऑटोक्लेविंग, हॉट एयर वन, ये हमने आपको स्टरलाइजेशन का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी हमने आपको ये चीज़ें समझाई हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आप हाई हीट में देखें जनरली इंसिनरेशन, मतलब कंप्लीटली बर्न आउट कर देना,
इंसिनरेशन के द्वारा कंप्लीटली बर्न आउट कर देना उस पर्टिकुलर वेस्ट को, ये आपका हाई हीट मेथड में आता है। इंसिनरेशन में एक चीज और ध्यान रखी जाती है, ये मेनली शार्प्स होते हैं या फिर ऐसे वेस्ट होते हैं जो सॉलिड वेस्ट में आते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, पैथोलॉजिकल वेस्ट के लिए इंसिनरेशन मेथड का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आप देखें इरेडिएशन, इरेडिएशन में आप क्या देखते हैं, यूवी रेज हो गए, आइसोटोनिक रेज हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो हो गई, ये चीजें जो यूज की जाती हैं पर्टिकुलर उस वेस्ट के ट्रीटमेंट के लिए, उस वेस्ट के इंफेक्शस पावर, उसकी हजार्डस पावर को खत्म करने के लिए, इंफेक्शन के रिस्क को खत्म करने के लिए, तो ये इरेडिएशन मेथड ऑफ द वेस्ट ट्रीटमेंट कहलाता है। नेक्स्ट मेथड आप देखें केमिकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, जनरली जो केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, अल्कोहल और आपका टिंचर ऑफ आयोडीन, क्लोरीन, इनका जो यूज करके आप पोटेंशियल इन्फेक्शस जो एक प्रॉपर्टी है उस पर्टिकुलर वेस्ट की उसको आप इरेडिकेट करते हैं, उसको आप डिस्ट्रॉय करते हैं, वो आपका केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट में आता है। नेक्स्ट आप देखें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ये एक ऐसा मतलब लाइक फुली डेवलप्ड नहीं है, अनडेवलप्ड या लेस डेवलप्ड या बींग डेवलप्ड भी आप इसको कह सकते हैं, एक ऐसा मेथड है जिसमें सर्टेन एंजाइम्स का यूज किया जाता है, एंजाइम्स का यूज करके पर्टिकुलर बायोलॉजिकल वेस्ट जो है, मतलब लाइक जो बॉडी पार्ट्स हैं या ऐसे वेस्ट, मतलब लाइक जो बॉडी फ्लूड्स हैं उनका जो एक मेनली कंपोजिशन है उसको चेंज कर दिया जाता है, उनकी हजार्डस प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया जाता है, वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आता है। इसमें सर्टेन एंजाइम्स का यूज किया जाता है, ये एक अनडेवलप्ड या बीन डेवलप्ड मेथड होता है बायोमेडिकल वेस्ट के ट्रीटमेंट का। ये इन मेथड्स के आप बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करके उसके पोटेंशियल इन्फेक्शस प्रॉपर्टी को कम जो है डिस्ट्रॉय करके, इरेडिकेट करके, उसके शेप को चेंज करके और उसके रीयूज से आप उसको प्रिवेंट कर सकते, तो ये मेथड आते हैं आपके ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में। लास्ट स्टेप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो हमारा आता है वो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट आता है। ट्रीटमेंट करने के बाद आप उस पर्टिकुलर वेस्ट का आप डिस्पोजल करते हैं, डिस्पोज करते हैं। डिस्पोजल का जो मेथड होता है मेनली फोर मेथड्स आपको यहां पर दिखाए जा रहे हैं, ये मेनली फोर मेथड्स ही डिस्पोजल में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ मेथड्स भी आपके कॉमन हो सकते हैं लाइक जैसे इंसिनरेशन वगैरह होता है, लेकिन वो ट्रीटमेंट मेथड में आते हैं। आपका जो प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल मेथड होता है वो आपका यही होता है, जैसे आप रिसाइकलिंग की बात करें, मतलब कोई एक ऐसा वेस्ट, ऐसा प्लास्टिक वेस्ट जिसका आप स्टरलाइजेशन या डिसइंफेक्शन या ट्रीटमेंट करने के बाद आप फिर से उसके यूज करने के लिए आप उसको रख लेते हैं, वो आपका रिसाइकलिंग मेथड में आता है। मतलब रिसाइकल करके आप उसका फिर से यूज कर सकते हैं, या पर्टिकुलर वेस्ट की प्रॉपर्टी या फिर उसका कंपोजिशन या फिर उसका स्ट्रक्चर चेंज करके आप कोई दूसरा एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करते हैं जिससे आप उसका फिर से यूज कर पाए, तो वो रिसाइकलिंग में आता है। नेक्स्ट आपका आता है लैंडफिलिंग। लैंडफिलिंग में क्या होता है कि जनरली आप जमीन के अंदर उसको फिल कर देते हैं, दफना देते हैं, वो लैंड फिलिंग में आता है। नेक्स्ट आप आएगा डीप बरियल। डीप बरियल में क्या होगा, जमीन के अंदर ही दफनाना है लेकिन डीपली आप उसको अच्छे से दफनाते हैं, प्रॉपरली प्रोटेक्शन के साथ आप उसको दफनाते हैं, डीप बरियल में आता है। नेक्स्ट आपका आता है सीवेज ड्रेनिंग। कुछ केमिकल वेस्ट या कुछ ऐसे लिक्विड वेस्ट होते हैं जिन्हें सीवेज में ड्रेन आउट कर दिया जाता है, उन्हें सीवेज में डाल करके ड्रेन कर दिया जाता है, वो आपके सीवेज ड्रेनिंग में आते हैं। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट में, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट के ये आपको मेथड्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट दिया गया। इसमें कुछ पॉइंट्स भी आपको माइंड में रखने होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करते समय। पॉइंट्स कौन से माइंड में रखने हैं कि प्रॉपर जैसे कंटेनर्स होते हैं वो स्पिल नहीं होने चाहिए, कोई ऐसा सिवेंजर, कोई ऐसा एक पर्सन है जो नहीं जानता उसके बारे में, पब्लिक है उसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, प्रॉपर व्हीकल स्पेशल होना चाहिए उसको ले जाने के लिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, और साथ ही साथ जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करने वाले ऐसे जो पर्सोनल हैं, हेल्थ पर्सोनल हैं, उनका जो है प्रॉपरली ट्रीटमेंट इन्फेक्शन से होना चाहिए, उनका प्रॉपरली पर ईयर एक इम्यूनाइजेशन ऐसा होना चाहिए जिससे वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट रहें, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में आपने देखा कि कितने टाइप के इन्फेक्शन जो हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के अंडर में ही ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ आपको अवेयर रहना है किसी भी इंजरी से, किसी भी ट्रॉमा से, तो इसके लिए आप जो है प्रॉपरली अवेयर रहते हैं, जैसे लाइक पंक्चर प्रूफ कंटेनर वगैरह का यूज़ करके आप जो सांप सिंड्रल होता है उसकी इंजरी को प्रिवेंट कर पाते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रख के ही बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है। सो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर, ये वीडियो पसंद आया होगा। जिन लोगों को जो भी डाउट लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को अपने पूछ सकते हैं, एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।